हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे OFV ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से एक भर्ती निकल के आ रहा है। पूरा जानकारी दूंगा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए, मैं आप लोग को सारा जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ दोस्तों, अगर आप ITI स्टूडेंट हो या डिप्लोमा स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप लोग के लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट बना दिया हूँ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का PDF फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जो वैकेंसी निकल के आया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी अंबाझरी के तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के जो पोस्ट है 203 है। 203 पोस्ट से दोस्तों यहाँ पे कारपेंटर में 1 है, इलेक्ट्रिशियन में 16 है, यहाँ पे एग्जामिनर में 11 है, बहुत सारा बढ़िया भर्ती है। फिटर जनरल में 13 है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, तो कुल मिला के मशीनिस्ट में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, 113 पोस्ट है। यहाँ पे 203 पोस्ट रखा गया है और एनएक्सजरी बी ट्रेड के लिए 88 पोस्ट रखा गया है। तो कुल मिला के आपको 291 पोस्ट है। पर दोस्तों यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकला है ये ओपन वैकेंसी नहीं है, जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जो आप लोग के लिए ये रिक्रूटमेंट नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसी रखा गया है उन लोगों के लिए जो लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लेबर की पोस्ट में है, मतलब इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय होल्डिंग लेबर सेमी स्किल्ड। तो दोस्तों जो लोग लेबर में है उन लोगों के लिए जो प्रोमोशनल मिलता है, प्रोमोशनल चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है, ये रिक्रूटमेंट वही है दोस्तों। सपोज आपकी 1800 ग्रेड पे में है लेबर में, आप लोग सेमी स्किल्ड जो वर्कर में आना चाहते हो तो ही आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। 3 साल का लेबर पोस्ट है, उसके बाद आप इसको एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट है 21 फरवरी तक आपको ऑफलाइन फॉर्म को सबमिट करना होगा। दोस्तों ये है अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से वैकेंसी, ये स्पेशल वैकेंसी है पर फ्रेशर के लिए नहीं आया है। दोस्तों आप लोग थोड़े बहुत सब्र करिए, इस साल में लास्ट तक, मिड तक ये फ्रेशर रिक्रूटमेंट आने का पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगर उनका जो पब्लिक सेक्टर जो होने वाला है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन होने वाला है, वो अगर खत्म हो जाए है तो आप लोग उम्मीद रख सकते हो इस साल की एंड तक। तो दोस्तों यही था छोटा सा इंफॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।